हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लस्टर में। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने आप स्टॉक के डीमेट अकाउंट से पैसों को कैसे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ ले सकते हैं। जी हां फ्रेंड्स, यहां पे मैं आपको लाइव यहां पे स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कि आप अपने आप स्टॉक के अकाउंट से पैसों को कैसे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना आप यहाँ अपस्टॉक का एप्लीकेशन यहाँ ओपन कर लेना और अपना अकाउंट यहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरा यहाँ पे पोर्टफोलियो है। जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो ये मेरा यहाँ पे पोर्टफोलियो है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जब भी आप यहाँ अपने डीमेट अकाउंट में कोई भी शेयर आप यहाँ पे खरीदते ही होंगे, ठीक है, जो भी शेयर आप खरीदते हैं एंड जब आपको यहाँ पे पैसे निकालने होते हैं तो आप वो शेयर यहाँ पे बेच के वो पैसे निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे कई लोगों का यहाँ डाउट रहता है कि आप वहाँ पैसे नहीं निकाल पाते, कई लोगों के डाउट रहते हैं। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे देखिए ये मेरा पोर्टफोलियो है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरे शेयर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आज मैं अगर आज के दिन यहाँ 8 मई है, आज के दिन मैं अगर मैं ये शेयर बेच देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाला शेयर मैं यहाँ पे बेच देता हूँ 2600 रुपीज़ का, ठीक है, एंड फिर मुझे ये पैसे निकालने, तो ये पैसे मैं आज नहीं निकाल पाऊंगा, ये पैसे मैं यहाँ पे कल निकाल पाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे जब भी शेयर आप यहाँ पे शेयर मार्केट में बेचते हैं तो उसे पैसों को सेटलमेंट होने में यहाँ पे समय लगता है, ठीक है। तो वो 24 घंटा मिनिमम यहाँ पे समय लगता है यहाँ पे पैसे सेटलमेंट होने में, उसके बाद ही आप उन पैसों को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो ये पैसे यहाँ पे अगर मैं ये शेयर यहाँ पे बेचता हूँ तो इसका जो पैसा है ये मेरे डीमेट अकाउंट में तो शो करेगा, ठीक है, लेकिन और मैं उससे शेयर भी खरीद सकता हूँ कोई दूसरा, लेकिन उस पैसे को मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट में विड्रॉल नहीं ले पाऊंगा। उसके लिए मुझे 24 घंटे तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक दिन आपको यहाँ पे वेट करना पड़ता है, उसके अगले दिन आप आराम से यहाँ पे अपने पैसों को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल ले सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, जब भी आप यहाँ पे शेयर बेचे तो उनके पैसों शेयर बेचने के 24 घंटे तक वेट करें और फिर आप यहाँ पे अपना पैसा यहाँ पे विड्रॉल करें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे कल शेयर कुछ बेचा था, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं आपको करना क्या, आप जैसे ही हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखता है, सिंपली आपको इस प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे जितना भी पैसा यहाँ पे होगा वो सब आपको यहाँ पे टोटल यहाँ पे दिख जाएगा। तो मेरे यहाँ 390 रुपीज़ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन पैसों को मैं यहाँ विड्रॉल करके आपको यहाँ दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नीचे देखिए, यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाता है विड्रॉल फंड का, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ नीचे आपको विड्रॉल फंड का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए अवेलेबल अमाउंट यहाँ पे दिख जाएगा, कितना पैसा हम यहाँ पे अभी आप टोटल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ अमाउंट डालिए, तो मैं फिलहाल के लिए तो 100 रुपीज़ यहाँ पे मैं आपको विड्रॉल करके दिखा देता हूँ। तो मैंने 100 रुपीज़ डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, एंड क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप दो तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं, या फिर या आप यहाँ पे निफ्ट से यहाँ पे कर सकते हैं जिसमें 2 से 3 दिन का यहाँ पे वक्त लगता है, या फिर आप यहाँ पे IMPS ये भी कर सकते हैं जो यहाँ पे जल्दी आपका यहाँ पे पैसा यहाँ पे पहुँचा देता है। दोनों ही फ्री है, इसमें आपको चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वाला क्लिक करते हैं, ठीक है, IMPS जो जल्दी हमारा पहुँच जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। या आपका अकाउंट आगे जो अकाउंट आपने यहाँ पे डीमेट अकाउंट बनाते वक्त ऐड किया होगा वही अकाउंट में आपका पैसा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है एंड देन आपको यहाँ पे सिंपली कंफर्म विड्रॉल के ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे विड्रॉल यहाँ पे हो चुका है, फंड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हम व्यू डिटेल्स के अगर हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हमारा एक रिक्वेस्ट यहाँ पे चला गया है, ठीक है, रिक्वेस्ट चला गया है। एंड यहाँ प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पे 15 मिनट दिखा रहा है, यानी 15 मिनट के अंदर अंदर आपका पैसा जो है यहाँ पे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, यानी मेरे जो 100 रुपीज़ है वो मेरे बैंक अकाउंट में 15 मिनट्स में यहाँ पे आ जाएंगे। एंड जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा वैसे आपको यहाँ पे सारे यहाँ पे टिक यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ 15 मिनट के अंदर यहाँ पे हमारा पैसा यहाँ पे विड्रॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पैसों को यहाँ पे आप स्टॉक एप्लीकेशन पे यहाँ पे पैसों से पैसों को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, कुछ लेना देना नहीं है, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अगर कोई भी शेयर खरीदते हैं तो उसके लिए आपको उसके बाद 24 घंटे के तक आप वेट करिए, उसके बाद उस पैसों को आप यहाँ पे आराम से बढ़िया आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरीके से आप स्टॉक एप्लीकेशन से पैसों को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।